Okay, G, so how do anyhow, actually, so hello, late ho gaya. Lekin I'm not that late because हरीम ने तो खैर अपना हरीम को कुछ कह ही नहीं सकता क्यों हरीम तो आ गई एक दफा टाइम पे, बस उनका सांस फूल गया होगा एक दिन आने के बाद, बस खत्म अगले साल आएंगे टाइम पे. तो कल हम लोगों ने जो है वो चीज पढ़ी थी कि ओवरऑल वालेकुम सलाम हसन, ने कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वो कंफ्लिक्ट वगैरह चीज पढ़ी थी. ठीक है ना, तो आज हम लोगों ने पढ़ना है एथिक्स, जो मैंने कल बात कर भी दी थी उसके बारे में. एथिक्स भी करनी है, क्यों एथिक्स जरूरी होते हैं और एथिक्स के लिहाज से हम लोगों ने तीन चार चीजें भी लिखनी है कि एथिक्स का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अच्छा, बात चीजें जहन में रखना कि जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एथिक्स की या स्टेक होल्डर की या सीएसआर की, तो ये आपस में मिलती जुलती चीजें हैं सारी के सारी. ठीक है ना, कि अगर हम एथिक्स की बात भी करें तो एथिक्स के अंदर हम ये भी बात कर सकते हैं कि अगर आप अपने स्टेक होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर लें तो आप एथिकल हो जाएंगे, आप सीएसआर फॉलो करना शुरू कर दें एथिकल हो जाएंगे, आप सोशल एंटरप्राइज लॉन्च कर दें एथिकल हो जाएंगे. तो अगर हम बात करें तो ये एक ही चीज है जो कि डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर बात की गई, और हर वक्त यही रखा गया है कि देर आर सर्टन प्रिंसिपल्स, बिहेवियर्स, मोरल एंड सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक किसी भी बिजनेस को मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है. सही है, तो अब क्या चीज है कि हम लोग बिजनेस जो है वो एथिक्स को फॉलो नहीं करता, वो क्या चीज है कि हाँ मैंने एथिक्स तो आज लिखवाने हैं ना, मुझे एथिक्स के बारे में आज लिखवाना है. लेकिन याद रखो कि ये एथिक्स जो है इट्स मोर लाइक के डू नॉट हैव कंफ्लिक्ट विद योर स्टेक होल्डर्स कंसर्न. सही है, एंड टू रन अ सीएसआर प्रोग्राम. सही है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू सेट सोशल एंटरप्राइज. तो ये वो तमाम तर चीजें हैं जो कि एथिकल ही वे में आपको लेके जाती हैं. ठीक है, तो लेकिन अब एथिक्स किस किस तरह से की जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मूवीज के अंदर लिखा हुआ आता है कि इस मूवी की शूटिंग के दौरान किसी एनिमल को तकलीफ नहीं पहुंचाई गई. ठीक है, तो क्योंकि वो एक बेजबान जानवर को अगर आप तकलीफ पहुंचाएंगे कि आपने दिखाया है कि जी वो एक बंदा घोड़े भागता हुआ जाता है, वो गाड़ी को टकराता है और गाड़ी जाके वो घोड़ा जाके नीचे गिर जाता है, तो अगेन आप या फिर आप दिखा देंगे जी जो विलन है वो कुछ परिंदों को मार रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो दिखाया तो जाता है कि वो मार रहा है, लेकिन क्या वाकई वो मार रहा होता है. सो इसके लिए पहले इनको एक डिस्क्लेमर चलाना पड़ता है कि जी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर होल मूवी या फिल्म जो है किसी भी एनिमल को टॉर्चर या तकलीफ नहीं पहुंचाएगी. मुझे सीधी बातें समझ नहीं आती कि जानवरों के ऊपर तो माशाल्लाह इस तरह से डिस्क्लेमर चलते हैं, वो जो बेचारे स्टंटमैन होते हैं जो कि सारे स्टंट्स करते हैं और चोटे लगवाते हैं हड्डियां हड्डियां तोड़वाते हैं, उनके लिए ऐसी बातें क्यों नहीं की जाती. दूसरी चीज, बाजू का जैसे पाकिस्तान टीवी ड्रामों के अंदर विलेन या वैम्प को दिखाया जाता है कि वो स्मोक कर रहा है तो नीचे लिखा हुआ है तंबाकू नोशी सेहत के नुकसानदेह है, तो ये लिखा हुआ आया था. तो ये क्या है असल में, उन्होंने वो कैरेक्टर तो पोर्ट्रे करना होता है कि कैरेक्टर को दिखाया जाए इस तरह से, लेकिन जो वो है क्या नाम है इसका जो कैमरा है. सही है, जो पाकिस्तान के जो है इसकी तमाम तो चीजों की हैंडलिंग करती है. ओके, सही है, तो तमाम तरह चीजों की वो प्रोग्राम्स की हैंडलिंग करती है, तो उसमें जो है वो उनको बताना पड़ता है कि जी एथिकल कंसिडरेशन है कि लोगों को जो है वो स्मोकिंग का वो नहीं करना चाहिए. आई नो, तो अब चीज इस तरह से आ रही है सारी के सारी कि जब बिजनेसेस इस तरह से काम कर रहे होते हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एथिकल शो कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कोई बंदा इन्फ्लुएंस हो जाए. ठीक है ना, विलन्स के साथ भी लोग अपने आप को एसोसिएट करते हैं, तो या हीरो के साथ तो अपने साथ एसोसिएट करते ही है, तो वो एक जब एक नॉर्म पता चलता है कि यार ही इज सो डेंजर, ही इज सो एग्रेसिव एंड ही स्मोक्स, तो इफ आई वांट टू बी एग्रेसिव, इफ आई हैव टू शो माय इंपैक्ट, ठीक है, सो आई हैव टू स्मोक एज वेल. तो ये एक गलत मैसेज जा रहा है. ठीक है, और इसी तरह से बाज जब आप किसी प्रोडक्ट के लिहाज से बात कर रहे होते हैं
तो इवन दो आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा होता है, आपका जो सप्लायर है वो आपको बहुत ज्यादा वो देख रहा है, क्वालिटी चीज दे रहा है, लेकिन वो स्टिल इटसेल्फ जो बिजनेस है वो एथिकल नॉर्म्स के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल उसके सीईओ वगैरह जो है, बोर्ड है वो किसी फ्रांस की कंपनी का, सही है? अब फ्रांस की कंपनी, फ्रांस के अंदर ही वो अनएथिकल किस्म के जो है वो कार्टून्स वगैरह हो गए हैं, तो अब आपकी ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या आप उसके साथ कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है? सो ये इस तरह की चीजें होती है जो बिजनेसेस को आमतौर पे अफेक्ट करती हैं एथिक्स के अंदर। याद रखो, एथिक्स फॉलो करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है? ये हमेशा याद रखना, एथिकल होगे तभी से काम करोगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन आप एथिकल नहीं होंगे, आप एथिक्स फॉलो नहीं करेंगे, आपके लिए चीज एक तो आसान भी हो जाएगी और ऊपर से आप पैसे भी बचाओगे, ठीक है? तो अगेन फिर ये बात है कि ये जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो थोड़ा सा नाजायज फायदा हो जाता है, सही है? तो हम वो जायज और नाजायज के ऊपर वी बेसिकली हैव टू डील विद दिस, ठीक है जी? तो ये वो चीज है जिसके बारे में अभी हमने लिखना है। प्लस और हमारा क्या रह गया है टॉपिक, हमारा टॉपिक रह गया है, अल्लाह भला करे आपका, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ठीक है? ये एक टॉपिक रह गया हुआ है, और क्या टॉपिक रह गया है यार, मेरे ख्याल से बस यही रह गया। तो ये बस ये दो टॉपिक्स हैं। तो एक टॉपिक है कि जी वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फिर एक टॉपिक है कि आपके पास बिजनेस एक्टिविटी के होने या ना होने से क्या फायदा नुकसान होता है। तो ऐसा कि छोटी छोटी बातें, तो वो लोग वो तो खैर आप किताब पढ़ के भी कर सकते हैं, इट्स मोर ऑफ अ कॉमन सेंस थिंग देन एनीथिंग एल्स, ठीक है? हाँ, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो भी हम आज बात कर लेंगे, प्लस ये जो एथिक्स की बात है ये भी हमने कर, ठीक है? मेक सेंस? ओके, कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है? मैं आपको भी इन्फॉर्म कर रहा हूँ कल आप लोगों की क्लास नहीं है। वैसे कल आपकी बाकी जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो कंडक्ट होंगी, बिजनेस की क्लास कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है? तो ये हमारी जो है ये आखिरी क्लास है बिफोर योर सर्दियों की छुट्टियां, ठीक? और अगले यानी फ्राइडे या सैटरडे को मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो अपलोड कर दूंगा फॉर पेपर 2, के पेपर 2 को अटेम्प्ट कैसे करना है। हाँ जी हरीम, आज आप फिर दोबारा लेट आई, कोई बात नहीं, तो एक दिन आप आ गई ना जल्दी, बस साल पूरा कंप्लीट हो गया, साल में सकून से जा सकते हैं, ठीक है? तो एनी हाउ जो कुछ भी, तो बाकी सारी क्लासेस आप लोगों की होंगी कल, बिजनेस की क्लास आप लोगों की नहीं होगी। तो इसके लिए आप जो है आराम सुकून से बिजनेस क्लास के बाद आप उठें और इंजॉय करें, ठीक है? एंड हैव अ सेफ एंड विंटर विंट्री वेकेशंस, सही है? और न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी पास कर दें अपनी आप लोग, क्योंकि इंशाल्लाह ताला हम अगले साल मिलेंगे, 2021 में मिलेंगे, व्हिच इज गोइंग टू बी वे फॉर बेटर देन दिस 2020, बैड ईयर फॉर एवरीवन, लेकिन 21 इज गोइंग टू बी अ वेरी होपफुल ईयर इंशाल्लाह। 11 बजे नेक्स्ट क्लास है, हाँ जी, तो आप आराम से फोन से, अब आपकी मर्जी, 8:03 पर ज्वाइन किया था फिर डिस्कनेक्ट हो गए, चल झूठी भाई, हमने तो देखा था आपको कि आप आए ही तकरीबन 8:12 पे हैं, तो हमने हमें तो नहीं मालूम कि आप 8:03 पे ज्वाइन हुई भी थी या नहीं हुई थी, जबकि मैंने कहा था कि क्लास 8:10 पे स्टार्ट होगी, या फिर भी आप लेट आई, कोई बात नहीं होता है। चले, सो अब हम जरा एथिक्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं।
तो पहली चीज जो हम लोगों ने देखनी है वो ये है कि हमारे पास जो भी बिजनेस है अगर उसको एथिकल होना है तो उसको सबसे पहले अपनी तमाम तर पॉलिसीज के अंदर ये तकरीबन 8 चीजें जो हैं ये उसको नजर आनी चाहिए। पहली चीज तो है उसको ऑनेस्टी पे होना चाहिए, मीनिंग अगर आप कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे हैं या प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट इनफ के प्रोडक्ट को विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी जो है उनको हर चीज मिले, शुड नॉट बी ओवर चार्जिंग एंड होना नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से इंटेग्रिटी भी होनी चाहिए। अब ये भी नहीं कि थोड़ा सा पैसे मिल गए आपको, थोड़े से 4 पैसे को नजर आ रहे हैं, आपने ईमान ही बेच दिया अपना पूरा का पूरा कि यार चल कोई बात नहीं यार बाद में पैसे कमा के हज करके आ जाएंगे। तो मतलब आपकी ना खुद की भी कोई इंटेग्रिटी होनी चाहिए, कुछ आपकी वैल्यूज होनी चाहिए कि पता चले कि हाँ यार आप नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए यू कैन इंड्योर सर्टन बैरियर्स और आप कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं क्योंकि यू हैव टू ऑफर दिस वैल्यू टू योर कस्टमर, ठीक है। लॉयल्टी होनी चाहिए आपके पास कि आपने उनके साथ आप लॉयल रहें, उनसे झूठ ना बोले आप, ठीक है। ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए पॉलिसीज के अंदर, आपको लॉ को अबाइड करना है, ठीक है। लॉ अबाइडिंग एलिमेंट्स होने चाहिए, दूसरों का रिस्पेक्ट करें, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का रिस्पेक्ट करें और डिफरेंट दूसरे ग्रुप्स का ना सिर्फ आप कंसर्न शो करें बल्कि रिस्पेक्ट भी करें। अच्छा, अब इसके अंदर कंपनीज आमतौर पर जब ये काम कर रही होती हैं सो वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे वो ओमिट कर सकती हैं कि वो एथिकल हो जाए अगर, ठीक है। सो
आमतौर पर दवाइयां जो है वो जानवरों पर इस्तेमाल की जाती हैं, सही है, चूहे पर, मंकी पर, रैट रैबिट्स पर, ठीक है, एट टाइम्स जो है कुछ केमिकल्स का जो रिएक्शन होता है जो कि मेटाबॉलिज्म के लिहाज से देखा होता है, तो वो परिंदों पे भी, बर्ड्स पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कोई चूहा मर जाता है या ऐसा की चीज हो जाती है तो लोग उस पर भी क्वेश्चन रेज करते हैं कि ये चूहा मर गया, आपने इसको जहर पिला दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एनिमल टेस्टिंग जो होती है ये भी काफी ज्यादा एथिकल नहीं होती, सही है। सही, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसे सप्लायर के साथ भी आपको काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बुरा होगा।
अस्सलाम वालेकुम जी जी पासपोर्ट का पासपोर्ट मैंने आपको भेजे थे सर के साथ एस वाले भी है लेट वाले ने बच्चों को दे दिए बनाने एस के तो नहीं दिए इसके भी दिए हां एस के थे एस के मुझे होते सर लेकिन बच्चों को पासपोर्ट एस वाले ने था ठीक है बस वो एस वाले पासपोर्ट प्राप्त किए थे भेजे सर मेरे को भेजे थे पासपोर्ट मैंने पता नहीं किस में ने आपको A2 का भेजा था साथ ही एस भी भेज दिया था अच्छा मैं पहले देखो चेक कर लेता मेरे अच्छा मैंने भी आपकी करंट मेल चेक करी ना कहा ठीक है मैं भेजता हूँ मैं टास्क खत्म होते मैं भेजता हूँ ठीक है बस अच्छा यहाँ पर भी एक चीज मैंने लिखी है फिफ्थ पॉइंट में मैंने लिखी है स्ट्रेटेजिक अलायंस ठीक है स्ट्रेटेजिक अलायंस दोस्ती होती है ठीक है मकसद कहने का ये है कि आपका जो वो है क्या नाम है इसका अल्लाह भला करे जो सप्लायर है उसके साथ और कस्टमर बिजनेसेस के साथ ना आपकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि आप बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बन जाते हैं ठीक है तो ये बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर जो बनने वाली चीज होती है ना इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस और ये ख्याल रखना कि इसके पीछे कंपनियां पागल होती हैं ठीक है ना कि सम हाउ किसी सप्लायर से इनकी स्ट्रेटेजिक अलायंस सेट हो जाए और अगर आप एथिकल काम करेंगे ना तो याद रखें कि आपके साथ लोग बकायदा लॉन्ग रन के अंदर शॉर्ट रन में तो सब आपको गालम गलोच करेंगे लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आपके साथ बकायदा कंपनीज आएंगी जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस सेट कर रही होंगी सही है जो आपको एज अ कस्टमर बिजनेस देखेंगे और आप उनको कस्टमर बिजनेस देखेंगे वो आपसे अच्छी वाली दोस्ती करना चाहेंगे वो आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करके आपके लिए सपोर्ट के लिए आएंगे सामने तो ये चीजें वो है जो कि लॉन्ग रन में आती है शॉर्ट रन के अंदर एथिक्स को फायदा नजर नहीं आता इंस्टेड उसका इशू ही नजर आता है कि यार ये भी नहीं हो रहा ये भी नहीं हो रहा ये भी नहीं हो रहा इसमें भी इतना मसला इतना स्लो सो ऑन एंड सो फोर्थ तो ये चीजें होती ठीक है अच्छा जी अब
सही है। तो खैर द लिस्ट गोज ऑन, आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये एक ऐसा बंदा होता है जो अपने काम को बिल्कुल क्लियर समझता है। उससे पूछा जाए तुम ये काम क्यों कर रहे हो, और इसको पास दुनिया का हर रीजन होता है बताने के लिए कि व्हाई दिस इज सो नेसेसरी। आप आमतौर पे कुछ लोगों से पूछोगे कि यार आप मुझे बताओ कि आप ये जॉब क्यों कर रहे हो, और उनके पास होगा क्या आप कर रहे हैं, क्योंकि कुछ और करने को नहीं था इसलिए कर रहे। कुछ लोग क्लियर होंगे इस चीज के ऊपर कि यार हमारे जो बाप दादा हैं वो ये काम करते आए हैं, और लेकिन यार मैं भी ये काम करूंगा, लेकिन स्टिल दे आर नॉट वेरी मच श्योर कि व्हाट काइंड ऑफ अ डिफरेंस दे आर गोइंग टू ब्रिंग इन। ठीक है, अपने ऊपर बिलीफ नहीं होता उन लोगों को। वो बाज़ुकात डेफिनेटली बिजनेस पहली दफा जब स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन में प्रॉफिट करता नहीं है, तो यू हैव टू फेस दोज डेज जहां पर आपने डेफिनेटली आपको जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, बट स्टिल यू रन विद द सेम अर्ज एंड द सेम एनर्जी एवरी टाइम। ठीक है, तो वो चीज डिलीजेंस आपको शो करनी पड़ती है। अच्छा, ये वो लोग होते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, वो होते हैं जो कि किसी भी गिवन मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। ये नहीं हो रहा ये कर सकते हैं, ये नहीं हो रहा ये कर सकते हैं, ये ऐसा हो रहा है इसको ऐसे चेंज कर देंगे तो हम कवर कर लेंगे मार्केट। सो दे ऑलवेज फाइंड गैप्स, दे ऑलवेज फाइंड नीश स्मॉल मार्केट्स। सही है, वो हमेशा कोई ऐसी फजूल सी नीड एक्सप्लोर कर लेंगे कि जिसकी जरूरत लोगों को नजर नहीं आ रही हो, लेकिन वो एकदम से उसको हिट करेगा। ठीक है, अच्छा उनके अंदर लर्निंग एबिलिटी होती है। याद रखो कि जब कभी भी आप किसी काम को करना शुरू करते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हाउ मच यू नो, इट्स मोर इम्पोर्टेंट हाउ मच यू कैन लर्न। ठीक है, एंड देन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है ना वो दूसरों में और उस नॉलेज को बाकियों के अंदर कंट्रीब्यूट भी करता है। यहाँ पर हम थोड़े से सेल्फिश नजर आते हैं एट टाइम्स कि यार हमें जो पता चल गया वो हम दूसरे को नहीं बताएंगे। याद रखो कि जब आपको कोई चीज पता हो और आप दूसरे को क्यों नहीं बताना चाहते, क्योंकि आपको उस चीज से ज्यादा पता नहीं है, बट इफ दैट इज इन योर ग्रिप एंड यू नो यू कैन लर्न फर्दर और देर इज नो वे वन कैन स्टॉप यू, ठीक है, तो आपको फिर वो नॉलेज शेयर करने में कोई मसला नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि यार इसको मैं बता भी दूंगा तो इसने आगे थोड़ी इसके ऊपर बढ़ना है, मेरे पास तो और बहुत सारी चीजें हैं जिसको काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर को मैं जानता हूँ, ही इज वेरी रिलक्टेंट इन शेयरिंग द नोट्स। सही है, बहुत रिलक्टेंट कि जी मेरा फलाने सब्जेक्ट का टीचर जो है, मेरे ही सब्जेक्ट का दूसरा टीचर जो है वो मेरे नोट्स ना उठा ले, और मैं जो हूँ जो ट्रिक्स बताता हूँ वो ट्रिक्स वो दूसरे टीचर्स ना ढूंढ ले। तो मेरा हमेशा उनसे ये सवाल होता है कि भाई अगर आपके पास ये ट्रिक्स हैं तो डेफिनेटली आपके जो राइवल्स हैं उनके पास ये ट्रिक्स है ना, तो उनका कहना होता है हाँ उनके पास ट्रिक्स हैं, तो आपको उनके ट्रिक्स का पता बारे में पता है नहीं। तो भाई किसी के पास इतना टाइम थोड़ी वो बैठ के वो आपके पास फोकस करके बैठेगा कि यार जाके देखो वो टीचर कैसे पढ़ा रहा है और उस टीचर की क्या क्या ट्रिक्स है मुझे लाके बताओ। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कोचिंग के अंदर भी या क्लास के अंदर भी किसी दूसरे टीचर का जो आपका राइवल है उसका कजन भाई वगैरह पढ़ने के लिए आ गया, उस वक्त तो बताओगे ना, अब या उस वक्त भी नहीं बताओगे? हाँ बताऊंगा तो सही। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी आपके स्टूडेंट्स में से किसी ने पढ़ाना शुरू कर दिया तो वो भी तो उन्हीं ट्रिक के साथ बड़ा होगा, तो क्या क्या सिर्फ ये ट्रिक्स ही है, दुनिया में और ट्रिक्स भी हैं? नहीं, फिर भी, और उस बंदे के पास कोई जवाब नहीं होता इससे इसके बाद। तो इट्स बिन लाइक 8 ईयर्स और मुसलसल मैं उनको यही बोलता रहता हूँ भाईजान आप प्लीज थोड़ा सा अपना माइंड सेट चेंज करें, लेकिन आज तक उसने अपना माइंड सेट चेंज नहीं किया। ठीक है, तो यही चीज होती है कि वो कंट्रीब्यूट करने में जो है वो काफी परेशान कौन होते हैं। सही है, अच्छा इनके लेजॉन बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनक्रेडिबल लेजॉन होते हैं, रेफरेंसेज लिंक्स नेटवर्क विद इन द बिजनेस आउटसाइड द बिजनेस विद इन द मार्केट आउटसाइड द मार्केट एब्सोल्युटली पीपल नो देम एंड नो देम वेरी वेल। ठीक है, अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर अच्छा कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को भी मैनेज कर सकता है। ठीक है, और ये याद रखो कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो नहीं है जिसका पहले दिन ऑफिस चमकता हुआ हो। चाहिए आमतौर पर जो हम लोग सोचते हैं जो अब क्योंकि माशाल्लाह घर भी बड़े साफ सुथरे से होते हैं, या हमारी हमेशा से हम टीवी वगैरह में मूवीज वगैरह में देखते हैं आइडियलाइज भी इसी चीज को देख करते हैं कि जी एक बड़ा लेवेश सा ऑफिस हो, वहां पर वर्कर्स काम कर रहे हों और आप जाएं तो सब खड़े हो जाएं, यस सर हेलो सर हेलो सर हेलो सर कर रहे हो, आपका शशका ही एंट्री हो, तो स्टार्ट भी आपका जो जब आप ऑफिस में पहले दिन ऑफिस के लिए जाओ तो आपने तो गाड़ी ड्राइव करनी नहीं है, ड्राइवर नहीं करनी है, वो भी कोई 4x4 व्हीलर होनी चाहिए, आप ना बहुत बड़ा सोचते हो नो डाउट। ये एक दिन अचीव करो,
जरूर अल्लाह करे कि आप इससे ज्यादा अचीव करो एक दिन, लेकिन ये पहले दिन अचीव नहीं करना, ठीक है ना। तो इस लिहाज से फाइनेंशियल मैनेजर, और आमतौर पर बिजनेसेस का फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन ये कि उनकी कैपिटल कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि वो ब्रेक इवन अचीव नहीं कर पाते। सही है, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए और लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। देन आपके अंदर वही बात जो मैंने कही है कि आप जो है वो रिस्क टेकर होते हैं, लेकिन आप कैलकुलेटेड रिस्क टेकर होते हैं। ऐसा नहीं है माउंट एवरेस्ट से छलांग नहीं मार देंगे आप। सही है, आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, लेंगे रिस्क लेकिन कैलकुलेटेड रहेंगे, पागलों की तरह नहीं लेंगे। तो उसके बाद फेलियर के चांसेस रिलेटिवली कम है और आपको मार्केट कम्प्लीटली पता होगा। सही है, क्या करना है, क्यों करना है, व्हाट इज द डिफरेंस एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो जब आप ये तमाम चीजें करते हैं तब आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हैं। और ये एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर पैदाइशी आपके अंदर स्किल डेवलप हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात ये कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर स्किल सीखी भी जा सकती है। सही है, सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर समवन व्हाई डोंट यू हैव अदर पीपल वर्किंग फॉर यू। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाए और लोगों से काम करना, ठीक है जी। सो दिस इज इट फॉर टुडे, और कल इंशाल्लाह ताला आपको क्लास नहीं होगी, और अब हमारी क्लास इंशाल्लाह ताला सर्दियों में छुट्टियों में बाद हो, ठीक है जी। जाएं एंजॉय करें, हैव फन, अल्लाह हाफिज।